हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 14। और इस क्वेश्चन को करने से पहले, जो मैंने आपको कार्ड्स का पूरा एक्सप्लेन किया है, उसका एक मैंने एक वीडियो बनाया इंट्रोडक्शन करके, इंट्रोडक्शन नंबर 2। कार्ड्स को किस तरह के कार्ड्स होते हैं, किसका क्या नेमिंग होती है, और यहाँ पे फेस कार्ड्स कौन से हैं, ब्लैक कार्ड कौन से, रेड कार्ड कौन से, ये सारा कुछ मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। तो आप इस वीडियो को अगर आप पहले देख लोगे तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो हमारे पास ऐसे 52 कार्ड्स का पूरा बंच है, इनको वेल शफल करके, मिक्स करके, कोई चीटिंग नहीं कर रहे यहाँ पे कि हमने सारे ब्लैक एक साथ अरेंज कर लिए, रेड एक साथ अरेंज कर लिए, इनको हमने इसी तरह से वेल शफल किया है और इसको इस तरह से उल्टा रखा है। अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। अब हम इसमें से क्या करते हैं, कोई भी एक कार्ड अपनी चॉइस से इस तरह से बाहर निकालते हैं। इस कार्ड के रेड कलर के किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, वो हमारा है ये फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, यानी किंग को हमने बाहर निकालने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये हमें यहाँ पे फॉर्मूला लेना है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो हमारे 52 हो गए, क्योंकि हमारे पास कार्ड्स ही 52 है। अब उसमें से हम देखते हैं कि रेड कलर के किंग उसमें कितने हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन में यहाँ लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल टू हमारे पास कितना है, 52। टोटल 52 कार्ड से एक जो पैकेट है उसके अंदर पूरा। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, अ किंग ऑफ रेड कलर। तो यहाँ पे देखो, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास 13 13 टोटल 4 पैर होते हैं 13 13 कार्ड के। अब इसमें किंग हमारे पास 4 होंगे, एक हमारे पास डायमंड का किंग होगा, एक हार्ट का किंग होगा, एक क्लब का होगा, एक स्पेड का होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें रेड कलर के किंग चाहिए। तो रेड कलर के किंग हमारे पास कितने हैं, ये एक डायमंड वाला है और एक हार्ट वाला है, ये दोनों किंग तो हमें लेने नहीं है इनमें, क्योंकि ये तो ब्लैक कलर के हैं। तो हमारी जो यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन हो गई वो कितनी होगी कि इन्हीं दो में से कोई कार्ड आएगा तब हमारे पास रेड कलर का किंग कार्ड होगा। तो ये हमारी फेवरेबल कंडीशन हो गई। और टोटल पॉसिबल कितने टोटल यहाँ पे कार्ड्स हैं, वो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। तो यहाँ आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ किंग्स ऑफ रेड कलर। तो वो हमारे पास कितने हैं, 2। एक है हमारे पास यहाँ पे रेड कलर चाहिए था, रेड कलर चाहते रेड, एक हमारे पास किंग है यहाँ पे डायमंड वाला, और एक किंग है हमारे पास यहाँ पे हार्ट वाला। ये दोनों ही हमारे पास रेड कलर में होते हैं, बाकी दो किंग हमारे यहाँ पे ब्लैक कलर के हैं। तो इन्हीं दो में से आएगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर इक्वल टू, न्यूमरेटर में हमारे ये आएगा जो हमारे यहाँ पॉसिबल आउटकम्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स हैं, तो नंबर ऑफ किंग कार्ड्स ऑफ रेड कलर। अगर हमें यहाँ पर रेड कलर नहीं कहा होता, सिर्फ कहा कि आप किंग निकाल के हमें बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम यहाँ पे चारों किंग लेते हैं, बट हमें रेड कलर का है इसलिए हम सिर्फ रेड कलर के किंग्स ले रहे हैं। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो आप यहाँ पे देखो, टोटल किंग हमारे पास रेड कलर के कितने हैं, 2, और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 के टेबल में 2 आया 1 टाइम, 52 आया हमारे यहाँ 26 टाइम। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया, 1/26 हो गया। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट में हमें यहाँ पे कहा है फेस कार्ड। अब फेस कार्ड भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसमें फेस कार्ड हमारे कौन कौन से होते हैं, जिन पे फेस बने हुए होते हैं। तो फेस कार्ड जो होते हैं हमारे पास हर यहाँ पे, ये जैसे मैंने ये ले लिया, इसमें हमारे जो फेस कार्ड है वो हर एक सेट में, जो 13 13 के सेट है उसमें 3 फेस कार्ड होते हैं, क्वीन होता है, जैक होता है, और एक हमारा यहाँ पे होता है किंग। तो ये 3, ये टोटल 13 कार्ड है, उसमें से ये 3 हमारे कार्ड्स क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं। तो 3 ही हमारे यहाँ पे ये स्पैड के हैं, 3 ही हमारे डायमंड के होंगे, 3 ही हार्ट के होंगे, और 3 ही हमारे यहाँ पे क्लब के होंगे। तो 3 3 3 चारों ही सेट में होंगे,
अब यहाँ पे देखो, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, समझाया था, ये थ्री जो हमारे कार्ड से वो फेस कार्ड है, तो थ्री यहाँ पे, थ्री हमारे ये हार्ट के, थ्री क्लब के और थ्री हमारे स्पेड के, तो थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री, टोटल हमारे 12 कार्ड्स ऐसे होते हैं जो फेस कार्ड होते हैं। तो यही मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो ओके, तो ये मैंने यहाँ पे भी समझा दिया, क्लब के अंदर ये तीन होंगे, स्पेड में ये थ्री, हार्ट में ये थ्री और डायमंड में थ्री। तो इन सबको अगर हम ऐड करते हैं, किंग क्वीन और जैक को, तो टोटल फेस कार्ड हमारे यहाँ पे कितने होते हैं, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हमारे फेस कार्ड 12 है। मतलब ये हमारी फेवरेबल कंडीशन होंगी। आप टोटल कितने कार्ड्स में से आप इसको आउट कर रहे हो, तो 52 कार्ड्स में से। तो ये हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड इक्वल टू नंबर ऑफ फेस कार्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड हमारे पास कितने हैं, 12, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे कितने हैं, 52। तो आप इसको सॉल्व कर लो, 4 के टेबल से कैंसिल कर देते हैं 3 टाइम, और 4 के टेबल से 1 और ये 3, तो 3 बाय कितना हो गया हमारा, 3 बाय 13 हो गया। इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई 3 बाय 13, और यहाँ पे आई थी 1 बाय 26। नाउ थर्ड पार्ट हम देखते हैं, रेड फेस कार्ड। थर्ड पार्ट हमारा यहाँ पे है, हमें फेस कार्ड तो चाहिए, बट कौन से कलर का, रेड फेस कार्ड। तो अब इसी में से देख लेते हैं, रेड फेस कार्ड हमारे पास कितने हैं, ये तो टोटल कार्ड थे फेस कार्ड, अब इसमें से रेड कौन से वाले हैं, ये वाले चार, हार्ट और डायमंड वाले। तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, वो हमारे कितने हैं, ये वाले सारे आएंगे हमारे पास इस तरह, ये वाले, तो 6 कार्ड हो गए। ओके, और तो फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड इक्वल टू नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड। ये आपको एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह से लिखना है, ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर लिख लो, आपको पूरा इस तरह से एक्सप्लेन करना है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो वो हमारा कितना हो गया, रेड फेस कार्ड यहाँ पे कितने हैं, 6, और टोटल कार्ड्स हमारे पास यहाँ कितने हैं, 52। तो ना उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 के टेबल से कैंसिल कर देते हैं, 3 के टेबल से ये कैंसिल नहीं होगा, 2 के टेबल से कैंसिल कर देते हैं 3, और ये 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, 2 2 4 6। तो ये हमारा हो गया 3 बाय 26, यानी कि रेड फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3 बाय 26। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं जैक ऑफ हार्ट। तो हम यहाँ पे फोर्थ पार्ट कर रहे हैं जैक ऑफ, तो अब यहाँ पे हमें जैक ऑफ हार्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो वैसे तो हमारे पास क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे कार्ड से, उसमें टोटल 4 जैक होते हैं, एक डायमंड वाला, एक हमारा हार्ट वाला, एक क्लब वाला और एक स्पैड वाला, लेकिन हमें सिर्फ कौन सा वाला लेना है यहाँ पे, जैक ऑफ हार्ट। तो हार्ट वाला जैक हमारे पास सिर्फ ये एक ही है, तो एक ही यहाँ पे आ जाएगा, जो हमारी पॉसिबल आउटकम से वो फेवरेबल आउटकम से हमारी वो 1 ही होगी, क्योंकि 4 जैक है, बट हमारे पास उसमें से हमें सिर्फ ये वाले, इसको आउट करने की प्रॉबिलिटी फाइंड करनी, इसको निकालने की हमें प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये फेवरेबल आउटकम हमारा कितना हो गया, 1। तो आप यहाँ पर देखो, ओके, टोटल हमारे पास ये 4 जैक है, बट इसमें से हम सिर्फ ये वाला लेंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी हैव फॉर जैक कार्ड्स एंड टोटल नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट, जो हमारे पास हार्ट वाला जैक है वो ओनली 1 है, टोटल नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट हमारे पास सिर्फ कितना है, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट इक्वल टू नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट कार्ड डिवाइड बाय, यहाँ पे हमारे का टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो यहाँ पे देखो, जैक का हमारे पास 1 है, तो 1 बाय कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास 52 है, 1 बाय 52। ना हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अ स्पेड। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट जो इसका है अ स्पेड, स्पेड के आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो स्पेड में हमारे पास टोटल ये कार्ड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक क्वीन और किंग, ये टोटल हमारे पास यही 13 कार्ड होते हैं,
ये आप देखो, ये सारे हमारे स्पेड वाले कार्ड हैं इस तरह से। यही सारे कार्ड मैंने यहाँ पे बनाए हैं। तो इनमें से हमें यहाँ पे 52 में से, ये टोटल 52 के अंदर ये कार्ड हमारे रखे हुए हैं। अब इनमें से किसी एक कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो एक कार्ड हमारा टोटल कितने में से आएगा, इन सारे में से आएगा। तो ये हमारे क्या हो गए, फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स, यानी कि टोटल जो 52 कार्ड्स हैं उसमें से स्पेड कार्ड हमारे पास कितने हैं, 13। तो इन 13 के आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्पेड कार्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो ये हमारा कितना हो गया, स्पेड कार्ड हमारे पास कितने हैं यहाँ पे, 13, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमने यहाँ पहले लिखा था 52। तो ये हमारा हो गया 52। तो ये 13 के टेबल से पूरा कैंसिल हो गया। 13 के टेबल में 13 आया 1 टाइम, 52 आता है 4 टाइम। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी हो गई, 1/4। नाउ लास्ट करते हैं, अ क्वीन ऑफ डायमंड। तो बिल्कुल हमारा यहाँ पे ये हमने किया था ना किंग ऑफ रेड कलर, बस इसी तरह से हो जाएगा। हमें यहाँ पे जैसे किंग चाहिए था रेड कलर का, यहाँ हमें क्वीन चाहिए डायमंड की। तो सेम हमारा बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे क्वीन ऑफ डायमंड चाहिए। ओके, तो ये जैसे ये हमने किया था जैक ऑफ हार्ट किया था ना, ये बिल्कुल वैसा है। हार्ट वाला हमें जैक चाहिए, यहाँ डायमंड की हमें क्वीन चाहिए। तो सेम इसका इसका आंसर सेम आएगा, फोर्थ पार्ट, और ये वाला सिक्स पार्ट हमारा सेम होगा। तो इस तरह से हमारे पास चार क्वीन के कार्ड्स हैं, स्पेड क्लब, स्पेड हार्ट और डायमंड। तो इसमें से हमें सिर्फ डायमंड वाली चाहिए, तो हम सिर्फ यही वाले लेंगे। हमारा फेवरेबल जो कंडीशन हुई वो सिर्फ यही हुई। तो यहाँ पे लिखते हैं वी हैव फोर क्वीन कार्ड्स। टोटल जो 52 कार्ड्स है उसमें से हमारे पास फोर क्वीन कार्ड्स है, और टोटल नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो डायमंड वाली हमारे पास कितनी है, ओनली 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड इक्वल टू नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। ओके, तो डायमंड के हमारे पास कितनी है, 1, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास कितने हैं, 52। तो यही इसकी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी। तो ये इस तरह से 5 पार्ट्स करने हैं आपको। तो आई थिंक ये जो ये हमने 6 पार्ट किए हैं टोटल, अगर आपने ये 6 पार्ट अच्छे से कर लिए, इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया आपको, कार्ड्स अच्छे से समझ में आ गए, तो आपको कोई भी कार्ड यहाँ से फाइंड करना हो, कोई भी कार्ड यहाँ से आउट करना हो, उसमें से उसकी प्रॉबिलिटी फाइंड करनी हो, तो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको कार्ड्स अच्छे से समझ में आने चाहिए, किसके कितने कार्ड हैं, कौन सा कार्ड हमें उसमें से लेना है। ये जो न्यूमरेटर है वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। किंग लिया है तो रेड लिया है तो रेड के कितने किंग है, ओनली किंग लिया है तो कार्ड्स में टोटल कितने किंग है, इस तरह से आपको फेस कार्ड कितने हैं, रेड कलर के कार्ड कितने हैं, वो सारा आपको अच्छे से समझ में आएगा, तभी आप कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन को कर पाओगे। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।